हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, मैं इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ, सो गाइज मेक श्योर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझाता हूँ मैं आपको प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और उसमें वो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके इस करेक्शन वाले बटन पर आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, और चाहे आपका एग्जाम सेंटर है, आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, अदर मिस्टेक करी है, कोई अदर रिलेटेड मिस्टेक्स है, लाइक किसी ने कैटेगरी गलत डाल दी है, फिर कुछ अदर मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आपको करेक्शन करनी है। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नई विंडो खुल के आएगी। सो वेट कर लेते हैं एक सेकेंड विंडो खुलने का, क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज मेरा नेट। ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। देन इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बस उन्हीं के लिए ये विंडो ओपन हुई है, कोई नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी भी आ रही है, तो मैं बता दूं गाइज कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो इन एग्जाम के बाद होगा। ये वाले जो एग्जाम एक बार हो जाएंगे उसके कुछ दिनों बाद से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए अभी परेशान मत हो आप, ठीक है। अभी हम देखते हैं किस तरीके से आपको इसमें करना है। तो गाइज, यहाँ पे आपको डालना है जो भी आपका यहाँ पर आएगा, लाइक सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा होता है, इसी को डालना होता है आपको। यहाँ लिखा हुआ है NWO, देन इसके बाद आई थिंक O है, जीरो है, जीरो आई थिंक, हाँ जीरो है, M21, ठीक है। इसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने विंडो को जिस तरीके से खुल के आ जाती है, जो भी आपने प्रीवियस फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से शो करता है। देन इसके बाद आपको करेक्शन कैसे करनी है गाइज, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पर रजिस्टर क्वेरी, यहाँ पर इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपको ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। रजिस्टर क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगी वो कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगी। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ गाइज, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, सो पेशेंस रखिए आप लोग, मैं आपको सबको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेरी टाइप, और यहाँ पे दिख रहा है क्वेरी डिस्क्रिप्शन, प्लीज एंटर ऑल मैंडेटरी डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व योर इशू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा क्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज अटैचमेंट है, तो टोटल तीन चीजें हैं, क्वेरी टाइप, क्वेरी डिस्क्रिप्शन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में आपको लिखा हुआ है चूज फाइल, अब यहाँ पर कौन सी फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आप वही फाइल अपलोड करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है। सपोज करो आप अगर फोटोग्राफ, आपकी आपने गलत फोटोग्राफ डाल दी है, तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ डालने की जरूरत है। सपोज करो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, ओबीसी हो बट जनरल डालना है, जनरल हो ओबीसी करना है, या फिर आपको AWS का सर्टिफिकेट बन गया है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना है। तो गाइज इसके लिए आपको करना क्या है, फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप चाहते हो, ठीक है। सपोज करो आप AWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल में जाकर के AWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट को चूज करना पड़ेगा। और गाइस बाकी लोगों के लिए जो यहाँ पर चूज फाइल वाला ऑप्शन अटैचमेंट का, ये ऑप्शनल है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मार्क हैशटैग मार्क्स फील्ड्स आर ऑप्शनल, और यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है बिकॉज अगर आप अपने नाम में करेक्शन चाहते हो तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो अटैचमेंट उन्हीं को करना है जहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, लाइक फोटोग्राफ हो गया या आपका कोई सर्टिफिकेट हो गया, तो उस केस में आपको यहाँ पर अटैचमेंट करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को। बाकी लोगों को यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप चेंज करेंगे। तो जो यहाँ पर क्वेरी टाइप लिखा हुआ है, इसी में आपको यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको अदर अदर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। गाइज मैं आपको और ऑप्शन सही से ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, एक सेकेंड दोबारा से प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। गाइज जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सिटी चेंज,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सिटी चेंज आफ्टर डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कोई भी रीजन लाइक ड्यू टू COVID-19 या अगर आप कहीं दूसरी जगह मूव कर गए हो दूसरी सिटी में किसी और रीजन की वजह से तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और इस चीज के लिए आपको कोई भी अटैचमेंट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड के लिए कोई फर्दर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करते हो सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रॉन्ग फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोडेड। अगर आपने गलत फोटोग्राफ अपलोड कर दी है या सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड कर दी है कोई इसमें मिस्टेक हुई है देन आपको यहाँ पर अटैचमेंट करने की जरूरत है जो भी आपकी करेक्ट फोटोग्राफ है या जो आपकी करेक्ट सिग्नेचर है तो आपको उसको अपलोड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ठीक है फोटो आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन टाइप लाइक नेम मदर नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ स्टेट ऑफ रेजिडेंस कैटेगरी PWD इसके बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कई बच्चे बोल रहे थे कि कैटेगरी चेंज करनी है तो वो चेंज कर सकते हो। चेंज ऑफ सब्जेक्ट कोर्स और पेपर इसका भी ऑप्शन है नॉट एबल टू अपलोड फोटोग्राफ रॉन्ग फोटोग्राफ कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन एलिजिबिलिटी इशू 1 ईयर PG डिप्लोमा एलिजिबिलिटी इशू डबल मल्टीपल पेमेंट इशू फी पेड बट नॉट अपडेटेड वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसके अलावा एग्जाम डेट क्लैश हो रही है किसी अदर एग्जामिनेशन के साथ तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट या कोर्स पेपर नॉट फाउंड और इसके अलावा मल्टीपल डुप्लीकेट एप्लीकेशन अगर आपने भर दी है फोटोग्राफ सिग्नेचर रिजेक्टेड बाय एडमिन या सर्वर एरर हो गया था सर्वर एरर आर टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस इस तरीके से कोई भी इशू है फिर अदर इशू है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ ठीक है। सो गाइज आई थिंक आप भी सभी को प्रोसेस समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है देन उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे और आपका जो क्वेरी है वो सबमिट हो जाएगी विद इन 1-2 डेज आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्वेरी स्टेटस जब 2 दिन बाद हो जाए 2 दिन बाद आप यहाँ पर दोबारा चेक कर लेना क्वेरी स्टेटस पे क्लिक करके कि क्या उन्होंने आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया है क्या आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो चुका है या कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आपकी क्वेरी को सॉल्व नहीं किया है ठीक है। तो जो भी है आपको क्वेरी का स्टेटस भी पता चल जाएगा यहाँ पर 1-2 दिन में ही। आई होप सबको समझ में आ गया होगा गाइज। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यहाँ पर अपने जो भी अपने यहाँ पर चीज़ें हैं वो अपडेट करना चाहते हैं और उनसे अपडेट नहीं हो रही हैं ठीक है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको एक बार देखने के बाद सभी के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए किस तरीके से हमें यहाँ पर करेक्शन करनी है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना साथ ही कुछ कमेंट करना है कोई डाउट है कोई चीज़ आपको पूछनी है कोई क्वेरी करनी है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET Mentor थैंक यू सो मच।